प्रकाशा के पटल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस काव्य संध्या में। ये काव्य संध्या नूतन सवेरा डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य एकेडमी अद्यतन कला संगम पॉजिटिव न्यूज नेटवर्क और वाइटिंग एंटरटेनमेंट के सौजन्य से ये सभी हमें सहयोग देते रहते हैं और सहयोग हमें साहित्य में मिलता है। ये कोई आर्थिक योगदान वाली बात नहीं है, ये सिर्फ एक साहित्यिक यात्रा है जिसमें इन सभी संस्थाओं का हमें लगातार सहयोग मिलता आ रहा है। तो आज फिर हमारे ये सभी सहयोगी हमारे साथ हैं, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज मंच पर पधारे हैं बहुत ही जाने माने सुप्रसिद्ध कवि श्री आदरणीय राहुल शिवाय जी। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत 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 धन्यवाद और सभी लोगों का धन्यवाद जी। हमारे जी बताएं, जैसा कि हुआ है कि आज इस पटल पर मुझे काव्य पाठ करना है, तो मैं अपने बारे में कुछ बातें बताने के साथ साथ लगातार कविताओं को पढ़ूंगा यहाँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस समय मैं कविता कोर्स जो कि भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी वेबसाइट है, मैं उसका उसके उपनिदेशक के पद पर काम कर रहा हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, असल में मैंने पढ़ाई इंजीनियरिंग की थी है, लेकिन बचपन से एक साहित्य के प्रति लगाव रहा है और इसी के कारण मतलब मैं साहित्य से जुड़ा, लगातार कविताएँ लिखता रहा और घर में ही साहित्य का एक ऐसा माहौल था। मेरे चाचा जी कस्तूरीझा कोकिल, वो यहाँ जिला स्तर पर एक बड़े अच्छे गीतकार और कवि रहे हैं, और मतलब उनको जो बचपन में जो सम्मान मिलता था, जब मैं उनको देखता था कि कोकिल जी को जो सम्मान मिल रहा है वो चीज़ें हैं, तो वो मुझे बार बार प्रेरित करती थी कि मैं कुछ लिखूं, कुछ बेहतर करूं अपने आप में। एक छोटी सी घटना है कि बहुत छोटी सी उम्र में जब मैं किताब पढ़ रहा था तो मैं ना एक कविता पढ़ी मैंने हिमालय की, उसके बाद हिमालय पढ़ने के बाद मैंने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी इसमें चाचा जी की तो कोई रचना नजर नहीं आती है, चाचा जी की कोई रचना नहीं, हमने मतलब मैं फोर्थ तक फिफ्थ तक सिक्स तक पहुंच गया, कुछ कोई रचना वहां पर है नहीं। तो उस पर उन्होंने कहा कि सारी कवियों की सारी रचनाएं जो हैं वो वहां पर नहीं, मतलब किताबों में नहीं पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि इतने लोग लिखते हैं, इतनी रचना होती है, लेकिन चूंकि हिमालय जो है, देखो दिनकर जी का कितना फेमस रहा है, मेरे नगपति मेरे विशाल करते हुए, और उसी चीज ने उन्हें राष्ट्र कवि बना दिया। क्योंकि मैं दिनकर जी की भूमि से हूँ, मैं बेगूसराय से हूँ, बिहार से, तो दिनकर जी का एक सहज आकर्षण अपने आप में आता है। उस समय मेरी उम्र 11 या 12 साल रही होगी। मेरी कविताओं का प्रारंभ हुआ कॉलेज स्कूल की एक प्रतियोगिता थी जिसके लिए मुझे पर्यावरण पर एक कविता लिखनी थी, जहाँ मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी कि पर्यावरण की करो सुरक्षा, वृक्ष लगाओ बच्चा बच्चा, इसी तरह से एक बाल कविता थी जी। और लेकिन मुख्य रूप से अगर मैं अपनी कविताओं का प्रारंभ मानूं तो वो मेरे दादाजी की मृत्यु के बाद प्रारंभ हुआ। दादाजी जब 2004 में मुझे छोड़ के चले गए तो मैं सिर्फ 13 साल का था, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरे अंदर की भावनाएं जो है वो बाहर आ रही हैं, मैं उनको कविताओं में लिखूं कि घर के बाहर बैठे बाबा पहन के ऐनक पोथी खोले, बोले राहुल लाओ अब हम गणित की उलझी गांठें खोले, मेरा मन असमंजस में कि पास जाऊं या ना जाऊं, बैठ द्वार फिर कहते मुझसे आओ तुमको कथा सुनाऊं। यहां से फिर जन्म पे मेरे जिसने बढ़कर कभी खुशी में जश्न मनाया, आज उसी के सौ पर मैंने अपनों को रोते है देखा, बाबा को मरते है देखा, वहां से एक शुरुआत होती है। फिर मैंने हिमालय का जिक्र इसलिए किया कि मुझे ऐसा लगा था उस समय, मतलब एक बाल मन की बात बताता हूँ कि यदि मैं हिमालय पे कोई कविता लिख दूंगा अच्छे से तो मैं भी राष्ट्र कवि हो जाऊंगा, एक भावना थी बच्चे की, एक सोच उस तरह की थी। तो मैंने हिमालय पे उस समय एक कविता लिखी जो आज भी मुझे बहुत प्रिय है। मैंने लिखा कि वर्षों से गिरिराज कहाता अचल अडिगिया खड़ा हिमालय, पाकर अंबर सी ऊंचाई जुड़कर गिरी गिरी बढ़ा हिमालय, लेकिन ऊंचाई पाकर भी कभी नहीं अभिमान को पाला,
करुणामय गंगा यमुना को यह जगहित है देने वाला, यह रक्षक है, यह दानी है। इस कारण गिरिराज कहता, केवल ऊंचाई पाकर ही कोई मान नहीं है पाता। सत्य तभी पूजी जाती है जब होती वह लोक सहायक, वही योग्य राजा बनने का जो होगा जन जन का नायक। जो किस उम्र में लिखी थी ये कविता आपने? जब मैं 13 साल का था उस समय। और वहां से प्रारंभ हुआ और अगले साल ही मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई 14 साल की उम्र में। उसके बाद फिर लगातार पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ रहा, बाल कविताएं। मैंने महाराणा प्रताप के संपूर्ण जीवनी को मेवाड़ केसरी के रूप में, कविता के रूप में प्रस्तुत किया फिर बाद में। लेकिन जो प्रारंभिक कविताएं थी वो पता ना पता, मुझे उतना छंद और बाकी चीजों का ज्ञान उस समय नहीं था, लेकिन वो कविताएं हमेशा लय में रहीं, छंद के हिसाब से सही भी रहीं और खुद ब खुद गीत बनती चली गई। अर्थात जो मुखड़े और अंतरे की जो व्यवस्था थी उन कविताओं में बनी रही। और चूंकि पढ़ना बहुत पसंद रहा है हमेशा, मुझे लगता है कि जब आप अच्छा पढ़ते हैं तो आप अच्छा लिखने, अच्छा सोचने के प्रति प्रेरित होते हैं। अभी एक दिन मेरी मुलाकात डॉक्टर मधुकर अस्थाना से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि आप इस उम्र में बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कर रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि सर 70-80 साल आपकी उम्र है, आपने 80 साल में जो किताबें लिखी, जब मैं उसको पढ़ता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि 80 साल में जो अनुभव आपने प्राप्त किए। उस 80 साल के अनुभव 30 साल की उम्र तक वो प्राप्त कर पा रहा हूं। एक साधारण सा उदाहरण, जैसे हम लोगों को सबको पता है कि आग में हाथ देने से हाथ जलता है, या ऊंचाई से गिरने से हम गिर के मर जाएंगे, लेकिन हम में से ना तो कोई ऊंचाई से गिरा है ना किसी ने आग को छुआ है या कभी छुआ हो। तो दूसरों के अनुभव से हम सीखते हैं, तो जब हम पढ़ते हैं तो हम दूसरों के अनुभव को अपने अंदर लेते हैं। ये मेरे लिए मतलब बहुत अच्छा रहा है कि विप्लवी जैसा पुस्तकालय हमारे बेगूसराय में, जो कि पूरे देश का अभिमान और शान है, वो पुस्तकालय हमारे यहाँ रहा, जिसका कि मैं लगातार एक पाठक के रूप में मैं उस पुस्तकालय से जुड़ा रहा। और मतलब छोटी सी उम्र में कमलेश्वर और न जाने नामवर सिंह, बहुत लोगों से मिलना हुआ, उस पुस्तकालय के माध्यम से लोगों से जुड़ना हुआ, तो एक बेहतरीन संयोग। मैंने पुस्तकालय पे एक कविता लिखी थी, अचानक से पुस्तकालय की बात चली तो मुझे लगता है पुस्तकालय पर लिखा एक गीत जो है वो मैं आप लोगों के सामने रखूं पहले। जी, कि पुस्तकालय सिर्फ पुस्तक घर नहीं, पुस्तकालय सिर्फ पुस्तक घर नहीं, चेतना का एक शस्त्रागार है। कि एक नालंदा बसा है इस जगह, जी रहा है बोधि पीपल की तरह, कि खोज है अन्वेषणों का सार है, एक शस्त्रागार है। कि यह सिखाता है समय से जूझना, यह सिखाता है समय से जूझना, बांट अनुभव यह सिखाता जीतना, सीख है कल के लिए आधार है, चेतना का एक शस्त्रागार है। कि यह जलाता है अंधेरे में दिए, एक तीली यह मसालों के लिए, क्रांति है बदलाव की ललकार है, एक शस्त्रागार है, एक शस्त्रागार है। तो लेकिन जो मैं ये अंतर भी बताता हूं कि आज से 12-13 साल पहले तक जब मैं पुस्तकालय जाता था तो पुस्तकालय की एंट्री होती थी कि रोज यहाँ 30-35-40 बच्चे या मतलब लोग जो है वो किताबों को पढ़ने लेने के लिए पुस्तकालय जाया करते थे। लेकिन उसी पुस्तकालय की दुर्गति भी मैं बताता हूँ कि आज वहाँ रजिस्टर खोलने पर यह पता चलता है कि 5 बच्चे भी पुस्तकालय तक में नहीं जा रहे हैं किताबें लेने के लिए। और इसी परिस्थिति के बाद मैंने पुस्तकालय पर दूसरा गीत, उस गीत के 12 वर्ष बाद लिखा। गीत था कि पुस्तकालय राह केवल ताकते, पुस्तकालय राह केवल ताकते, जा रही किस राह पर अपनी सदी। कि फॉरवर्डिंग आज बौद्धिक धर्म है,
और ट्विटर ट्रेंड सच्चा कर्म है कि पुस्तकालय आज विस्थापित हुए बह रही अविरल विमर्शों की नदी, पुस्तकालय राह केवल ताकते जा रही किस राह पर अपनी सदी। कि सार गूगल ने हमें सारे दिए, सार गूगल ने हमें सारे दिए, धूल है बस आज पन्नों के लिए, वक्त कम है कौन खोजे पुस्तकें, कि शॉर्टकट युग है समय की त्रासदी, जा रही किस मोड़ पर अपनी सदी। कि कौन अन्वेषण करे सच का यहाँ, इन किताबों में भला भटके कहाँ, कि वायरल जो भी हुआ निष्कर्ष है, गीत है बोझिल भली है दो पदी, कि जा रही किस राह पर अपनी सदी, जा रही किस राह पर। इसी तरह से ऐसा नहीं है कि आप जब लिखते हैं आप एक मन में बात आती है कि इतनी छोटी सी उम्र में लय कहाँ से आया, आप लय कहाँ से सीख गए। तो हिमालय जो अभी मैंने कविता सुनाई वो बिल्कुल चौपाई छंद में थी कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, बिल्कुल उस छंद में। इसी तरह से बचपन में एक कविता पढ़ी मैंने, केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता थी कि इस भूमि में इसी जन्म में इस भूमि में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को सारा हिंदुस्तान मिलेगा। तो उम्र छोटी थी तो पढ़ना और पढ़ के फिर लिखने का प्रयास करना, तो एक छोटी उम्र की ही एक रचना और याद आती है कि ये रचना इस प्रकार थी कि तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा अचानक से। हाँ, ये था कि यही स्वर्ग है यही नरक है, कर्म फलों से मिलने वाला यही मान अपमान मिलेगा, मानव के अंदर ही तुमको दानव और भगवान मिलेगा। कि पल में दुख है पल में सुख है, समय समय पर यही उपजता पीर और अभिमान मिलेगा, मानव के अंदर ही तुमको दानव और भगवान मिलेगा। कि खुद को देखो मन को परखो, तभी किसी की गहराई का तुमको भी अनुमान मिलेगा, मानव के अंदर भी तुमको दानव और भगवान मिलेगा। ये तो एक शुरुआत थी जब रचनाएं प्रारंभ हुई, जब हमने लिखना शुरू किया। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े और पहुंचे कॉलेज में, फिर कविताओं का एक दूसरा दौर प्रारंभ हुआ। जब हमको ये पता चला कि जो प्रेम कविताएं हैं, जो प्रेम के गीत हैं, वो कविताओं के मुख्य फॉर्म के गीत हैं, मतलब अधिकतर लोग पसंद, खुद में भी एक प्रेम के प्रति एक सहज आकर्षण एक उम्र में आना प्रारंभ होता है और हम वैसे लिखने लगे। तो देवल आफिस भैया का एक गीत था, अक्षर अक्षर चूम लिया, और उसी बीच देवल आशीष भैया को ही वो लिख के वो गीत सुनाया था। तो मैं सोचता हूँ कि उसी लय में उनको याद करते हुए वो गीत मैं आप लोगों को सुनाऊं। मैंने अपनी कविताओं का तुमसे ही श्रृंगार किया, शब्द शब्द में तुम्हें बसा कर शब्द शब्द से प्यार किया। मैंने अपनी कविताओं का कि बादल में देखा आंखों को, पुष्पों में अधरों को, चंदा में मुखड़े को देखा हर मंजिल में तुमको। बादल में देखा आंखों को, पुष्पों में अधरों को, चंदा में मुखड़े को देखा हर मंजिल में तुमको। सागर धरती अंबर सब में, सागर धरती अंबर सब में तुमको ही साकार किया। मैंने अपनी कविताओं में कि सरसों के पीले पुष्पों में, टेसू की लाली में, कोयल की हो कुहक कुहक में, बौराई डाली में, सरसों के पीले पुष्पों में, टेसू की लाली में, कोयल की हो कुहक कुहक में, बौराई डाली में, तुमसे प्रीत बसंत चुरा कर, तुमसे प्रीत बसंत चुरा कर दूर हृदय पतझार किया। मैंने अपनी कविताओं में बड़े सुंदर कि जब से आए हो तुम तब से झूम रहा अंतर मन, शब्द शब्द को चूम रहे हैं और करते आलिंगन,
जब से आए हो तुम तब से झूम रहा अंतर मन, शब्द शब्द को चूम रहे हैं और करते आलिंगन। तुमको पाकर जैसे मैंने खुशियों से अभिसार किया मैंने अपनी कविताओं कि चाह नहीं थी धन दौलत की, सफल हुई हर पूजा, प्राण तुम्हारे जैसा पाया नहीं धरा पर दूजा। चाह नहीं थी धन दौलत की, सफल हुई हर पूजा, प्राण तुम्हारे जैसा पाया नहीं धरा पर दूजा। मैंने जैसा कल चाहा था वैसा ही स्वीकार किया मैंने अपनी कविताओं। इसके बाद एक और प्रेम गीत आपके सामने रखता हूं। ये गीत मुख्य रूप से विशेष रूप से स्वर्गीय हमारे स्मृति शेष अभिभावक किशन सरोज जी को बहुत पसंद था ये गीत। किशन सरोज जी अक्सर इस गीत को सुनना पसंद करते थे, तो मैं वो रखता हूं। कि क्यों तुम्हें दो दृग जहां में ढूंढते रहते हमेशा, क्यों तुम्हें दो दृग जहां में ढूंढते रहते हमेशा, जब हृदय से धमनियों तक तुम निरंतर बह रहे हो। कि है जहां पर शब्द मेरे तुम वहां पर बोध बनकर, है जहां पर शब्द मेरे तुम वहां पर बोध बनकर, इस हृदय की कामना में सत्य पथ का शोध बनकर, तुम बने उल्लास मेरा और विरहन बंद है हो। जब हृदय से धमनियों तक तुम निरंतर बह रहे हो। कि तुम वही हो, तुम वही हो, तुम वही हो, तुम वही हो पा जिसे मैं वन पलासों में खिला हूं, तुम वही हो पा जिसे मैं वन पलासों में खिला हूं, तुम वही हो पा जिसे मैं वन पलासों में खिला हूं, तुम वही जिस संग झरा हूं और मिट्टी में मिला हूं, तुम वही जिन संग झरा हूं और मिट्टी में मिला हूं। कि तुम वही जो बाँचता हूं और तुम ही अनकहे हो, तुम वही जो बाँचता हूं और तुम ही अनकहे हो, जब हृदय से धमनियों तक तुम निरंतर बह रहे हो। और ये बंद विशेष रूप से बहुत प्यारा है मुझे। कि आंसुओं से गड़ रहे हृदय में अजंता की गुफाएं, आंसुओं से गढ़ रहे हृदय में अजंता की गुफाएं, तुम समय के शांति पथ पर हो तथागत कामनाएं। कि एक पावन सी पवन बन, कि एक पावन सी नदी बन, एक पावन सी पवन बन साथ तुम मेरे बहे हो, एक पावन सी पवन बन साथ तुम मेरे बहे हो, जब हृदय से धमनियों तक तुम निरंतर बह रहे। और काव्य की यही कसौटी, जब शब्दों के सौंदर्य से बाहर निकलकर भाव और बिंबों और प्रतीकों के सौंदर्य तक पहुंचता है तो प्रेम गीत अपना स्वरूप कैसे बदलता है वो मैं अगले गीत में आपको बताता हूँ। एक गीत देखिएगा। ये गीत इस प्रकार है कि एक पति का रविवार किस प्रकार बीतेगा इस बात पर वो अपनी पत्नी को कहता है। एक चाय के इंतजार में बैठा है अखबार, एक चाय के इंतजार में बैठा है अखबार, एक तुम्हारे इंतजार में बैठा है अखबार, कि खोज रही हैं कलियां कब से प्यारा सा स्पर्श, सुबह सुबह जो फूल तोड़ती है, कि खोज रही हैं कलियां कब से प्यारा सा स्पर्श, कि कैरी के पत्ते व्याकुल हैं रचने स्वाद विमर्श,
कैरी के पत्ते व्याकुल हैं, रचने स्वाद विमर्श, धीमे धीमे बीत रहा है हम सब का इतवार, कि धीमे धीमे बीत रहा है हम सब का इतवार, एक चाय के इंतजार में बैठा है अखबार। और रविवार का दिन है तो कुछ खास बातें क्या है तो वो देखिए, कि खिड़की के पर्दे से तय थी आज तुम्हारी बात, खिड़की के पर्दे से तय थी आज तुम्हारी बात, खिड़की के पर्दे से तय थी आज तुम्हारी बात, मिलने को आतुर है छत पर तुमसे नवल प्रभात। कपड़े धोना, उसको सुखाना, रविवार कुछ विशेष कार्य होता है, कि खिड़की के पर्दे से तय थी आज तुम्हारी बात, मिलने को आतुर है छत पर तुमसे नवल प्रभात, कि ताक रही है पंथ तुम्हारा, कि देख रही है पंथ तुम्हारा आंगन छत दीवार, एक चाय के इंतजार में बैठा बैठा है अखबार। और अपनी भावना कि इस घर के कोने कोने में एक एक पुरुष जो होता है वह बहुत से बहुत अपने ड्राइंग रूम, अपने कमरे और बाथरूम और दो चार जगहों को छोड़कर ज्यादा दूर नहीं जाता, लेकिन जो महिलाएं होती हैं घर की, वो हर कोने का जाला, हर जगह की गंदगी, हर चीज, मतलब हर चीज का ध्यान रखती है, घर के हर कोने को एक मित्र की तरह, एक दोस्त की तरह वो उसको देखती है और उसका साथ निभाती। तो उसी को मैंने कहा कि इस घर के कोने कोने में पाया तुमने मित्र, इस घर के कोने कोने में पाया तुमने मित्र, पर मेरी इन आंखों में भी स्नेहिल एक चरित्र, पर मेरी इन आंखों में भी स्नेहिल एक चरित्र, कि मेरी छुट्टी का भी तुम पर, कि मेरी छुट्टी का भी तुम पर थोड़ा है अधिकार, एक चाय के इंतजार में बैठा है अखबार, एक चाय। क्या तो कविता यही आती है। मैंने प्रारंभ में कहा कि पढ़ना बहुत आवश्यक है, तो प्रारंभ की, जब मैंने कविता लिखना प्रारंभ किया तो वहां पढ़ना महत्वपूर्ण था। मैंने कुछ पढ़ा, फिर मेरे मन में कोई अभिव्यक्ति आई और मैंने उसको कविताओं का स्वरूप दिया, लेकिन धीरे धीरे कविताएं प्रारंभ से ज्यादा दृष्टि पर निर्भर करने लगी, कि आप जो देख रहे हैं आप उनको कविताओं में कन्वर्ट करने लगते हैं, और जब आप देखी हुई चीजों को कविताओं में लिखने लगते हैं तब अचानक से आपकी कविता जो है वो एक अलग तरह का टेस्ट की कविता हो जाती है, जिसमें बहुत, मतलब अपनी अलग विशेषता वाली कविता हो जाती है, और ये दृश्य काव्य है। तो अब मैं एक और इसी दृश्य के बारे में बताता हूं, जो अब सिर्फ प्रेम लिखना तो ध्येय हो नहीं सकता, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम समाज के लिए कुछ लिखें। तो अभी हमारे यहाँ सड़क का कुछ काम हो रहा था, तो कुछ बाहर की, मध्य प्रदेश से और कुछ बाहर की कुछ औरतें यहाँ काम कर रही, तो उनके छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर थे, तो मैंने उस क्रम में जो मैंने देखा उसे मैंने कविता के रूप में बदला और मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, एक जनगीत के रूप में, एक समकालीन गीत के रूप में। सपनों की दुनिया से रहकर दूर औरतें, कि सपनों की दुनिया से रहकर दूर औरतें कितना कुछ सहती हैं ये बेनूर औरतें, कि सपनों की दुनिया से रहकर दूर औरतें कितना कुछ सहती हैं ये बेनूर औरतें, जिनके करतल पर अंकित है विश्व सृजन का, कि जिनके करतल पर अंकित है विश्व सृजन का, खोज रही वह हर दिन मझधारों में तिनका, कि जिनके करतल पर अंकित है विश्व सृजन का, खोज रही वह हर दिन मझधारों में तिनका, बहुत बहुत धन्यवाद, कि फिर भी जीवन भर रहती मजबूर औरतें कितना कुछ सहती हैं ये मजदूर, कि बच्चों का मुख, दृश्य देखिएगा, कि बच्चों का मुख सीने पर अंगिया सा रखना,
बच्चों का मुख सीने पर अंगियासा रखना, रोज लकड़बग्घों से लड़ना, कभी न झुकना, और पाती है क्या हर दिन दुख से चूर औरतें, कितना कुछ सहती हैं ये बीनू। क्या बात, क्या बात, कि कितना सलाम कुछ है आपकी कलम को, सलाम है। बिल्कुल। और अंतिम बंद की धारदार कटिया से घास काटने वाली, धारदार कटिया से घास काटने वाली, कि मीलों मील दूरियां रोज पाटने वाली, मजदूरों को जनती ये मजदूर औरतें, धारदार कटिया से घास काटने वाली, मीलों मील दूरियां रोज पाटने वाली, मजदूरों को जनती ये मजदूर औरतें, कितना कुछ सहती हैं ये बेनूर औरतें, कितना कुछ सहती हैं। और असल में ये सहती क्यों है, सहती क्यों है, क्योंकि पिछले 70 वर्षों में हमने सीखा क्या है, इसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों के हैं, सिर्फ कांग्रेस वाला 70 वर्ष नहीं, तो पिछले कुछ दिनों में हमने सीखा क्या, तो उसके लिए मैं एक कविता पढ़ता हूं कि हमने सत्ताएं बदली हैं, हम कब बदले, कि हमने सत्ताएं बदली हैं, हम कब बदले, कि बख्तियार मन का नालंदा जला रहा है, बख्तियार मन का नालंदा जला रहा है, फूट डालकर राजतंत्र वह चला रहा है, वर्षों से कुछ बात नहीं आई है पल्ले, हमने सत्ताएं बदली हैं, हम कब बदले, और वैशाली के वैभव पर इतराने वाले, तो बिहार के लिए भी कहता हूं कि वैशाली के वैभव पर इतराने वाले, कि यह गणतंत्र का पहला पहला गणतंत्र यहां था, कि वैशाली के वैभव पर इतराने वाले, दुनिया को गण का मतलब समझाने वाले, एक तरह से गिरे निरंतर पर कब संभले, हमने सत्ताएं बदली हैं, हम कब बदले, कि पाटलिपुत्र, कि पाटलिपुत्र धनानंदों को पाल रही है, कि पाटलिपुत्र धनानंदों को पाल रही है, अपनी कायरता में खुद को ढाल रही है, कि पाटलिपुत्र धनानंदों को पाल रहा है, अपनी कायरता में खुद को ढाल रहा है, कि हम मिट्टी के शेर, हम मिट्टी के शेर सिर्फ मिट्टी ही निकले, हम मिट्टी के शेर सिर्फ मिट्टी ही निकले, हमने सत्ताएं बदली हैं, हम कब बदले, हमने सत्ता, और सत्ता ने क्या किया है, सत्ता ने किया है कि चिंताओं की पगडंडी पर भटक रहे बंजारे। अगला गीत है, ध्यान दीजिएगा गीत किसके लिए, कि चिंताओं की पगडंडी पर भटक रहे बंजारे, कि श्रम से हाथ उगाने वाले, श्रम से हाथ उगाने वाले उंगली तक को तरसे, श्रम से हाथ उगाने वाले उंगली तक को तरसे, कि आश्वासन के बादल आए लेकिन कब हैं बरसे, कि बाजारों में रौनक छाई आंखों में अंधियारे, आज बड़े बड़े मॉलों में, बड़े बड़े मॉलों में चावल और गेहूं सबका दाम बढ़ता ही जा रहा है, पर किसानों को क्या मिलता है, कि बाजारों में रौनक छाई आंखों में अंधियारे, कि चिंताओं की पगडंडी पर भटक रहे बंजारे, कि सूखे मन पर कर्ज टंगा है आंखें खड़ी रुआसी, सूखे मन पर कर्ज टंगा है आंखें खड़ी रुआसी, बधिक समय है इंतजार में कब तय होगी फांसी, सूखे मन पर कर्ज टंगा है आंखें खड़ी रुआसी, और बधिक समय है इंतजार में कब तय होगी फांसी, कि नित्य अभावों के संदेशे लाते हैं हरकारे, नित्य अभावों के संदेशे लाते हैं हरकारे, कि चिंताओं की पगडंडी पर भटक रहे बंजारे, चिंताओं की पगडंडी, कि कौन सुनेगा व्यथा कथा को, सभी जान रहे हैं कौन सुनेगा व्यथा कथा को, सभी जान रहे हैं, मगर जानकर भी सच्चाई को कब मान रहे हैं, कौन सुनेगा व्यथा कथा को, हम आप नहीं जानते कि किसानों की क्या स्थिति है वास्तविकता, कि कौन सुनेगा व्यथा कथा को, सब ही जान रहे हैं, मगर जानकर भी सच्चाई को कब मान रहे हैं, कि बस चिंताएं व्यक्त करेंगे सपनों के हत्यारे,
बस चिंताएं व्यक्त करेंगे सपनों के हत्यारे, चिंताओं की पगडंडी पर भटक रहे बंजारे, चिंताओं की और अब भटकते भटकते वो कहां पहुंचते हैं, तो भटकते भटकते वो पहुंच जाते हैं दिल्ली, और जब दिल्ली पहुंचते हैं तो एक गीत बनता है कि पता चला दिल्ली में रहकर दिल्ली कितनी दूर, कि पता चला दिल्ली में रहकर दिल्ली कितनी दूर, कि बस मेट्रो पैदल ऑटो से दिन दिन भर का चक्कर, सिर्फ डिग्रियां काम ना आती बोल रहे हैं दफ्तर, कि बस मेट्रो पैदल ऑटो से दिन दिन भर का चक्कर, सिर्फ डिग्रियां काम ना आती बोल रहे हैं दफ्तर, अकोर सभी ठिगने लगते हैं मन लगता लाचार, कि पता चला दिल्ली में कि कोर्स सभी ठिगने लगते हैं मन लगता मजबूर, पता चला दिल्ली में रहकर दिल्ली कितनी दूर, पता चला दिल्ली में रहकर कि चमगादड़ बनकर महंगाई, चमगादड़ बनकर महंगाई मंडराती है सिर पर और हांफती सांसें जीती लम्हा लम्हा डर कर, कि सपनों को आधा कर देना, कि सपनों को आधा कर देना दिल्ली का दस्तूर, कि सपनों को आधा कर देना दिल्ली का दस्तूर, कि पता चला दिल्ली में रहकर दिल्ली कितनी दूर, और रात रात भर जगती रातें रेस खत्म कब होती, दिल्ली मुश्किल से ही दो पल कभी नींद में सोती, कि रात रात भर जगती रातें रेस कब खत्म कब होती, दिल्ली मुश्किल से ही दो पल कभी नींद में सोती, लेकिन दिल्ली में रहना भी देता एक गुरूर, लेकिन दिल्ली में रहना भी देता एक गुरूर, पता चला दिल्ली में रहकर दिल्ली कितनी दूर, पता चला। और जो लोग दिल्ली जा रहे हैं उनको सावधान करता हुआ, मुख्य रूप से लड़कियों को सावधान करता हुआ एक गीत, कि ओ चिड़िया तू जरा संभल कर नब में उड़ना, ओ चिड़िया तू जरा संभल कर नब में उड़ना, यह सपनों का शहर स्वप्न का है हत्यारा, ओ चिड़िया तू जरा संभल कर नब में उड़ना, यह सपनों का शहर स्वप्न का है हत्यारा, कि सपनों के दाने फैलाकर यहां पंख सहलाने वाले, सपनों के दाने फैलाकर यहां पंख सहलाने वाले, कि अवसर ढूंढ रहे हैं कब से कलियों को चटकाने वाले, कि ओ चिड़िया तू निज पंखों को मान सहारा, शहर स्वप्न का है हत्यारा, शहर स्वप्न का है, कि यहां धूप से ज्यादा आंखें, यहां धूप से ज्यादा आंखें गोरे तन को स्याह बनाती है, धक्का मुक्की ताक चाहते बातें तन की माप बताती, कि ओ चिड़िया आंखों में रखना तू अंगारा, शहर स्वप्न का है हत्यारा, शहर स्वप्न का है, कि यहां रात की चकाचौंध में बाज निकलते हैं शिकार पर, यहां रात की चकाचौंध में बाज निकलते हैं शिकार पर, और चीख सुनने वाले भी बहरे हो जाते हैं अक्सर, यहां रात की चकाचौंध में बाज निकलते हैं शिकार पर, और चीख सुनने वाले भी बहरे हो जाते हैं अक्सर, कि ये ओ चिड़िया मत चमक दमक में खोज किनारा, शहर स्वप्न का है हत्यारा, कि शहर स्वप्न का है, अब जब इतना समाज पर लिखते हैं तो आप अपने आसपास भी देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चीजें हैं, क्या परिवर्तन है। एक बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से मैंने कुछ दर्शाने का प्रयास किया है। एक गीत जो कि एक से ज्यादा अर्थ रखता है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, कि धूप चैत की पीट रही है जोर जोर से ढोल, कि धूप चैत की पीट रही है जोर जोर से ढोल, कि सोच रही मधमास अभी तो आई है अमराई, कि सोच रही मधमास अभी तो आई है अमराई,
कि फगुआ के गीतों में कल तक झूमी है भौजाई, कि सोच रही मधुमास अभी तो आई है अमराई, कि फगुआ के गीतों में कल तक झूमी है भौजाई, कि पता नहीं कैसे निकले ये बंटवारे के बोल, पता नहीं कैसे निकले ये बंटवारे के बोल, कि धूप चैत की पीट रही है जोर जोर, और टेसू का अनुराग गंध महुआ का चढ़ा कहाँ है, कि टेसु का अनुराग गंध महुआ का चढ़ा कहाँ है, लू से आखिर इतना कैसे बेकल हुआ जहां है, कि टेसु का अनुराग गंध महुआ का चढ़ा कहाँ है, कि लू से आखिर इतना कैसे बेकल हुआ जहां है, आखिर किसने दिए ग्रीष्म के बंद लिफाफे खोल, धूप चैत की खोद पीट रही है जोर जोर से धूप। आपको अवनीश त्रिपाठी जी ने एक मतलब अपने संदेश पे कहा है प्रेम धर्मी कवि, तो वही लग रहा है इतने सुंदर बिंब आपके सिस्ते हैं। अगर अगर मैं कहूँ तो अवनीश त्रिपाठी मेरे बड़े भैया हैं, और अवनीश त्रिपाठी जी के पिताजी स्वर्गीय रामानुज त्रिपाठी जी वो मेरे प्रिय गीतकार रहे हैं, प्रिय कवि रहे हैं, और सही बोलूं तो मेरी बिंब धर्मीय कविता पर यदि सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति का प्रभाव है तो वो अवनीश त्रिपाठी जी के पिताजी रामानुज त्रिपाठी जी का है। बिंब का निर्माण कैसे होता है, कविताओं में बिंबों को किस प्रकार से ऑब्जेक्ट मतलब अपने अंदर वो बिंबों को किस प्रकार वो समेट लेता है, ऐसा नहीं कभी कभी होता क्या है कि जब हम बिंब बनाते हैं या प्रतीक बनाते हैं तो अचानक से कविताएं जो वो बहुत बोझिल हो जाती हैं, ऐसा जो कि बिल्कुल समझ में ना आने लगे, तो यह जरूरी है कि वो सहजता वो सरलता बिंबों के साथ भी गीतों में बनी रहे, कविताओं में बनी रहे, और यह इस निर्माण को मतलब मैंने रामानुज त्रिपाठी जी के गीतों में पढ़ा है, यादों का चंदन वन और धुएं की टहनियां, धुएं की टहनियां किताब ही आप सोचिए कि धुएं की टहनियां मतलब वो उनका प्रभाव जो है, और अवनीश भैया तो खैर भैया हैं तो उन्हें अच्छा लगे तो उनका आशीर्वाद मिले तो और क्या चाहिए। मुझे कुछ और कमेंट्स दिख रहे हैं, कुंवर उदय सिंह अनुज जी भी हैं हमारे अभिभावक हैं, लगातार प्रोत्साहन देते रहते हैं, गरिमा है, रूपम जी हैं, रूपम दी, और कुछ स्मिता श्री दी हैं, और भी कुछ लोग हैं जिनकी टिप्पणियां मिल रही हैं, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या त्रिवेदी भी एक नवोदित कवि जी, दिव्या त्रिवेदी बिल्कुल बिल्कुल दिव्या त्रिवेदी जी, और वो भी कह रही हैं कि आपके रचनाओं पर कुछ भी टिप्पणी देना बिल्कुल असंभव सा लग रहा है। रानी सिंह जी हमारे बीच और स्मिता श्री जी हैं जी, उदय सिंह अनुज जी, जी 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 और पिंकी त्रिपाठी जी हैं हमारे जी 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 महंगाई जी जी सुमिता श्री अब मैं हमारे बीच अब मैं एक गीत लेके, गीत हमेशा ये नहीं है कि गीत विसंगतियों को ही देखता है, हमने ऐसा देखा कि आजकल जो गीत है गांव पर बहुत सारे गीत है हर गांव में कि गांव में ये बदल रहा है वो बदल रहा है ऐसा हो रहा है, लेकिन कम से कम मैं कह सकता हूं कि जब मैं अपने ननिहाल पहुंचता हूं, जब मैं अपने गांव पहुंचता हूं तो मुझे आज भी वो गांव और वो अंग क्षेत्र का जो वो परिवेश है वो नजर आता है, तो वो परिवेश कैसा है एक गीत में मैं आपके सामने रखता हूं कि गांव अभी तक जीवित पाया मैंने अपने गांव में, कि गांव अभी तक जीवित पाया मैंने अपने गांव में, कि चींची करती आती चिड़िया आंगन से बतियाती, कि चींची करती आती चिड़िया आंगन से बतियाती, कि सुबह सुबह तुलसी चौरे पर अम्मा लेप लगाती, कि चींची करती आती चिड़िया आंगन से बतियाती, कि सुबह सुबह तुलसी चौरे पर अम्मा लेप लगाती, कि आलस अब तक बांध ना पाया सिक्कड़ उसके पांव में, गांव अभी तक जीवित पाया मैंने अपने गांव में, और गांव में क्या है
कि धूप सेकते हल्दी मिर्ची निमकी कैरी पापड़। गांव में धूप सेकते हल्दी मिर्ची निमकी कैरी पापड़, और घर को अनुशासित रखता है काका जी का झापड़। कि धूप सेकते हल्दी मिर्ची निमकी कैरी पापड़, और घर को अनुशासित रखता है काका जी का झापड़। कि लुका छुपी होती है अब भी यहाँ धूप और छाव में, कि लुका छुपी होती है अब भी यहाँ धूप और छाव में, कि गांव अभी तक जीवित पाया मैंने अपने गांव। कैसे कि पंखे छोड़ छतों पर लगते अब भी चादर तकिए, कि पंखे छोड़ छतों पर लगते अब भी चादर तकिए, कि मीठी मीठी बातें रचती मधुर स्वप्न के सतिए, कि कम सुविधा में भी खुशियों को देखा जीते ठाव में, गांव अभी तक जीवित पाया मैंने अपने गांव में, गांव अभी तक जीवित पाया मैंने अपने गांव में। अब ऐसे तो बहुत सारे गीत और कविताएं हैं, अगर पढ़ता रहूंगा तो फिर पढ़ता ही रह जाऊंगा। चलिए मैं गीत से बाहर निकलता हूं, पहले कुछ दोहे सुना दूं, फिर एक गजल के साथ और एक गीत पे फिर खत्म करूंगा मैं कुछ दोहे। तो ऐसे तो विविध विषयों पर दोहे लिखे हैं, तो पहले मैं कुछ दोहे नारी पे सुनाता हूँ। चलिए मैं नारी के लिए मैं क्या सोचता हूँ, स्त्री के लिए मैं नारी पर रचे अपने कुछ दोहे आपको सुना रहा हूँ। कि मैंने कहा कि नारी के जैसा कहाँ, कि नारी के जैसा कहाँ और किसी का रूप, कि नारी के जैसा कहाँ और किसी का रूप, कि ज्यों ज्यों होती सांझ है त्यों त्यों बढ़ती धूप, ज्यों ज्यों होती सांझ है त्यों त्यों बढ़ती धूप। और कि किस जादूगर ने किया माँ का आविष्कार, किस जादूगर ने किया माँ का आविष्कार, बच्चों के हर कष्ट का जाने वो उपचार, कि बच्चों के हर कष्ट का जाने वो उपचार। और कि देकर लक्ष्मी नाम फिर, देकर लक्ष्मी नाम फिर लेते सब कुछ छीन, देकर लक्ष्मी नाम फिर लेते सब कुछ छीन, इस कारण सबसे सबल रही हमेशा दीन, इस कारण सबसे सबल रही हमेशा दीन। और कि आकर्षक सब तितलियां, आकर्षक सब तितलियां रहना यहां सतर्क, चकाचौंध का यह शहर है रिश्तों का नर्क, चकाचौंध का यह शहर है रिश्तों का नर्क। और पंजों में एक बाज के चिड़ी रही थी चीख, पंजों में एक बाज के चिड़ी रही थी चीख, यह सीता का देश है दो जीवन की भीख, यह सीता का देश कि दो जीवन की। और जिसके पहलू में रहा कल वह सारी रात, जिसके पहलू में रहा कल वह सारी रात, उसको ही वह कह रहा सुबह सुबह बज्जात, उसको ही वह कह रहा सुबह सुबह बज्जात, कि जब से उपवन का हुआ मुखिया क्रूर बबूल, जब से उपवन का हुआ मुखिया क्रूर बबूल, कि असमय ही होने लगी छोटी कलियां फूल, कि असमय ही होने लगी छोटी कलियां फूल। और एक एक मैंने विधवा पर लिखा था कि अंधियारा चुप्पी रुदन गाली ताना दोष, अंधियारा चुप्पी रुदन गाली ताना दोष, एक बांझ को किस तरह देता जग संतोष, एक बांझ को किस तरह देता जग संतोष। चूल्हा चौकी देहरी घर आंगन दीवार, नारी का सीमित रहा क्यों इतना संसार, नारी का सीमित रहा। और एक दोहा जो मुझे बहुत प्रिय है अलग सा अलग टॉपिक पे, कि या तो तुम मेरा कहो या अपनों का स्वार्थ, या तो तुम मेरा कहो या अपनों का स्वार्थ, मैं भीतर से बुद्ध हूं बाहर से सिद्धार्थ, मैं भीतर से बुद्ध हूं बाहर से सिद्धार्थ। और किस मनिहारिन ने रंगे, किस मनिहारिन ने रंगे इस पूरब के पांव,
किस मनिहारी ने रंगे इस पूरब के पांव, कि हाँ, इसे देखने जग रहा धीरे धीरे गांव, इसे देखने वाह वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर राव जी, बहुत सुंदर। अब मैं जीवन के पात्रों, एक कुछ कहानी के पात्रों पर कुछ दोहे पढ़ूंगा और उसके साथ ही आपको वो कहानियां याद आएंगी कि बड़ी बहुरिया को मिले हर गोविंद का साथ, फिर क्या फैलेगा नहीं किसी बहू का हाथ। संवरिया फणीश्वर नाथ रेणु कि हीरा मोती अब नहीं झूरी के प्रिय बैल, कि हीरा मोती अब नहीं झूरी के प्रिय बैल, कि बूचड़ खाने ले गया कितना मन में मैल। बूचड़ खाने, दो बैलों की कथा प्रेमचंद। कि बूढ़ी काकी सुन रही अब भी सबकी बात, कि बूढ़ी काकी सुन रही अब भी सबकी बात, और अधिक बदतर हुए रिश्तों के हालात, और अधिक बदतर हुए रिश्तों। कि मार रहा हर रोज ही होरी को गोदान, कि मार रहा हर रोज ही होरी को मरजात, कि हो पाया अब तक नहीं वह दुख से आजाद, और एक बार इस बात पर सोचो हिंदुस्तान, एक बार इस बात पर सोचो हिंदुस्तान, 70 वर्षों बाद भी प्रासंगिक गोदान, 70 वर्षों बाद भी प्रासंगिक गोदान। कि प्रेमचंद आ देखिए कैसे हैं हालात, प्रेमचंद आ देखिए कैसे हैं हालात, अब तक कंबल के बिना कटे पूस की रात, और प्रेम कि प्रेम हो गया आजकल सिर्फ देह का गेम, कि प्रेम हो गया आजकल सिर्फ देह का गेम, मत ढूंढो राहुल यहां लहना सिंह का प्रेम, मत ढूंढो। उसने कहा था कि अलगू जुम्मन बिक गए बिका पंच का न्याय, कैसे उनको अब कहें ईश्वर का पर्याय, और डाकू उंगली माल भी हो जाता है शुद्ध, लेकिन औरों के लिए कौन बनेगा बुद्ध, लेकिन औरों के लिए कौन बनेगा। और अंतिम कि छल से पाकर जीत भी गया खड़क सिंहार, छल से पाकर जीत भी गया खड़क सिंहार, जीते बाबा भारती जान रहा संसार, जीते बाबा भारती। अब मैं एक धनाक्षरी रखूंगा, उसके बाद एक गीत पढ़ूंगा। ये धनाक्षरी इसलिए कि इस धनाक्षरी को मैंने तब लिखा जब मैं कालिदास के महाकाव्य ऋतु संहार का, हाँ अवनीश जी कह रहे हैं कि राजनीतिक शब्द हो गया, नहीं ये इस 70 में जो है वो भाजपा और कांग्रेस दोनों वाला है, वो सिर्फ कांग्रेस वाला 70 नहीं है। तो ये है कि जब मैं कालिदास के ऋतु संहार का अंगिका मेरी अपनी भाषा है जब अनुवाद कर रहा था, तो जैसे अंगिका की अपनी बहुत खूबी है, एक दोहा अंगिका का देखिए यहाँ पे कि रूप रंग में न फंसो असल चीज छे चाल, कि रूप रंग में मत फंसिए असली व्यवहार है, कि मिर्चा करवे लाग तो हरा रहे कि लाल, मिर्च जो है वो कड़वा ही लगेगा चाहे वो हरा रहे कि लाल रहे। तो ये खूबी है अंगिका साहित्य, बहुत अपने आप में समृद्ध साहित्य है। कभी अंगिका की रचनाओं के साथ भी आऊंगा। एक कवित्व सुनिए, 6 महीने 6 ऋतुएं। अंगिका एकमात्र ऐसी भाषा है जिस भाषा में एक साथ 11 ऋतुकाव्य है, 11 ऋतुकाव्य 60 ऋतुकाव्य। तो एक हिंदी में एक मैं 6 ऋतु का एक धनाक्षरी में वर्णन कि एक प्रेमी का 6 ऋतु में क्या हाल है, उसके साथ क्या संवाद करता है, वो पढ़ता हूं। 1 मिनट। जी बसंत। पवन मधुर बहे अली प्रेम राग कहे, कि रागी ये घायल उर व्याकुल बनाते हैं, कि पोर पोर नव प्राण मधुर कोयल गान, सजनी विछोह में ये मुझे ना सुहाते हैं, कि खिले ये पलास लगे आग के स्रदिस मुझे, मेरे तन मन में ये आग सुलगाते हैं, कि मधुर वसंत भी कि मधुर वसंत में भी उर स्नेह हीन रहे,
विधुर नयन मेरे अश्रु को बहाते हैं। और बहुत सुंदर। कि ग्रीष्म ऋतु में कि आग को हवाएं भरती, चीखती हैं, घूमती हैं, धरती से उठती हैं, जाती हैं गगन में, प्यासे पशु प्यासे खग प्यासा है मानव तन, मेरे जैसी प्यास जगी आज कन कन में। कि सूखे तृण सूखे पेड़ सूखे नदी पन घट, जैसे सूखे आंसू मेरे विकल नयन में। जेठ क्या तपाए तन उसका जो तप रहा, कि जेठ क्या तपाए तन उसका जो तप रहा, नित दिन प्रियसी के विरह अगन में। और वर्षा में कि घटाए गगन डोले, मेघों ने हैं पंख खोले, कि वायु मेघ दूत बनी बाट रही पाती है, पीकी पपिहारा गाए दादुर झिंगुर बोले, सौंधी सौंधी गंध धारा वायु को लुटाती है। कि उमड़ घुमड़ घन गरज बरस रहा, ऋतु रानी रह रह प्यास को बुझाती है। कि जग की तृषा मिटाती बरखा सुहानी, पर मिलन की प्यास मेरी कहां वो बुझाती है। कि शरद ऋतु में कि काश का उजास भरा, चंद्र का प्रकाश बढ़ा, कि धूप ये नहाई हुई सब को सुहाती है, ताल ताल में भरे हैं राजीव के फूल, और पारिजात रात रानी वायु महकाती है। उस सब उमंग भरा ऋतु जो सभी के लिए, मुझे वो प्रसन्न चित्त कर नहीं पाती है। जो पूनम तृप्त करे विकल चकोर उर, क्यों नहीं वो प्यास मेरे दृगों की बुझाती है। हेमंत ऋतु, अब हेमंत ऋतु कि धान बाली पक गई शरद विगत हुआ, खुशियों के साथ आया ऋतु ये हेमंत का। कि हो गया मलिन ससी अंबर से जल गिरे, कुहरे में धूप बना रूप किसी कंत का। कि शीतल सुखद कुंज फूल भरे उपवन, शोभा है असीम आज दृग व दिगंत का। कैसे ये सुहाए कहो मधुर सुखद छवि, प्रिया सुधियों ने रूप लिया यदि हंत का। और अंत में फिर ऋतु कि झड़ झड़ झड़ते हैं पत्तियां तरु से, सभी आई है शिशिर ऋतु या कि आया काल है। कि जग में कुहासा बिछा जीवन अचेत हुआ, तन तन मन मन जीवन बेहाल है। कि पशु खग तरु नर आकर ठिठुर रहे, शीत सुर सा के मुख सा हुआ विशाल है। कि भानु का भी तेज घटा से सिर समुख पर, कमा मेरे उर नहीं विरह का ज्वाल है। कि कमा मेरे उर नहीं विरह। एक गीत के साथ खत्म कर देता हूँ, उसे एक गजल पढ़ देता हूँ जल्दी से तहत में। मैं तुम्हारी महफिलों में बस हवा बनकर रहा, कि मैं तुम्हारी महफिलों में बस हवा बनकर रहा, कि रात भर का साथ था बस मैं दिया बनकर रहा। कि जिसको केवल दर्द में तुमने पुकारा है सनम, जिसको केवल दर्द में तुमने पुकारा है सनम, मैं तुम्हारी जिंदगी में वो खुदा बन कर रहा। कि सबने मुझ पर दांव खेले, कि सबने मुझ पर दांव खेले अपनी चाहत के लिए, सच कहूं तो जिंदगी भर मैं जुआ बन कर रहा, और कुछ छुपा कर रख ना पाया पास अपने मैं कभी। कि कुछ छुपा कर रख ना पाया पास अपने मैं कभी, चेहरा मेरा मेरे दिल का आईना बनकर रहा। कि हर कोई मुझसे गुजर कर चल दिया फिर छोड़कर, कि हर कोई मुझसे गुजर कर चल दिया फिर छोड़कर, उम्र भर मैं हर किसी का रास्ता बनकर रहा उम्र भर में। बहुत सुंदर। अब मैं वो गीत सुनाऊंगा जो गीत मैंने आज तक किसी मंच से किसी जगह से नहीं पढ़ा है, और इस गीत के साथ आज का खत्म करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपके साथ यहाँ। और ये गीत है कि मेरे गीत संभाले रखना, मेरे गीत संभाले रखना, गीत न मेरे काम आ सके। कि मेरे गीत संभाले रखना, गीत न मेरे काम आ सके। ऐसा अवध रहा जीवन भर जहां न वापस राम आ सके। वाह
कि मेरे वाह 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 गीत वाह वाह, संभाले बहुत सुंदर। रखना, गीत न मेरे काम आ सके, ऐसा अवध रहा जीवन भर, जहां न वापस राम आ सके, बहुत कि सुंदर, बहुत सुंदर। दर्द विरह आंसू तन्हाई, किसे नहीं है चाहा मैंने, दर्द विरह आंसू तन्हाई, किसे नहीं है चाहा मैंने, कि मेरे घावों से तो पूछो, कि मेरे घावों से तो पूछो, किसको नहीं सराहा मैंने, कि वाह अनगिन पत्र लिखे जीवन भर, अनगिन पत्र लिखे जीवन भर, लौट नहीं पैगाम आ सके, कि मेरे गीत संभाले रखना, सुंदर, कि मेरे गीत अहिल्या बनकर खोज रहे कब से पगचंदन, कि मेरे गीत अहिल्या बनकर खोज रहे कब से पगचंदन, मेरे गीत किसी सबरी सा चाह रहे करना अभिनंदन, कि मेरे गीत अहिल्या बनकर खोज रहे कब से पगचंदन, मेरे गीत किसी सबरी सा चाह रहे करना अभिनंदन, कि बहुत तपे हैं ये जीवन भर, जरा देखना साम आ सके, कि बहुत वाह तपे हैं ये जीवन भर, जरा देखना साम आ सके, कि मेरे गीत संभाले रखना, कि गीत भटकता जीवन जिसने पाषाणों में प्राण भरा है, कि गीत भटकता जीवन जिसने पाषाणों में प्राण भरा है, जिसकी धाराओं पर अब तक चोटों से हर घाव हरा है, कि गीत भटकता जीवन जिसने प्राणों में प्राण भरा है, जिसकी धाराओं पर अब तक चोटों से हर घाव हरा है, कि पर इनका तो ध्येय यही है, पर इनका तो ध्येय यही है, कभी नहीं विश्राम आ सके, कि ऐसा अवध रहा जीवन भर, ऐसा अवध रहा जीवन भर, जहां न वापस राम आ सके, कि मेरे गीत संभाले रखना। अब आप लोग मेरे गीतों को संभाले रखिएगा, बहुत और संभाल बहुत के बहुत संजो अच्छा के लगा, स्मृतियों, और आज की और ये बहुत शाम यादगार शाम बन गई है राहुल जी। बहुत सुंदर एक संदेश है, मैं वो जल्दी से पढ़ देती हूँ। मनीष जी कुमार जी झा साहब है, लिख जी रहे हैं, द यंग लिटरेरी आइकॉन शिवाय को सुनना गर्व की बात है। अरे वो तो हमें उनका अच्छा लग प्रेम रहा है है। कि आज शिवाय जी हैं हमारे बीच में, बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रिया चलिए त्रिवेदी कह रही हैं, नमन है आपकी कलम को, आज की शाम जी जी सार्थक जी हो। तो जी बहुत बहुत आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मतलब इतना एक घंटा मुझे तो लग रहा था कि शायद मतलब 15-20 मिनट भी मुझे बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा, लेकिन आप लोगों ने पूरे 1 घंटे मुझे सुना तो क्या काफी बात अच्छा कर रही है, लगा। बहुत और बहुत आनंद से सुना, नहीं बड़े नहीं बड़े देखिए जोश से देखिए, सुना। मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि जब मैं कविता पढ़ूं या कुछ कहूं, तो ना जो किस प्रकार मैं कविताओं को लिखने की तरफ बढ़ा, आज मेरे पास अगर 10,000 से ज्यादा कविताएं हैं, गीत हैं, गजल हैं, तो मैं किस प्रकार उसको जिया हूं, किस प्रकार मैं उस पर बढ़ाऊं, मैं इस पर बात कर सकूं, तो आज भी मैंने वही कहा कि कविताएं धीरे धीरे एक विकास होता है, एक क्रम होता है, जब आप यात्रा प्रारंभ करते हैं। मैं अपने 27 साल के जीवन में पिछले 16 वर्षों से कवियों के बीच हूं, इसी जिंदगी को जी रहा, और पिछले 16 वर्षों में मैंने जो प्रारंभ किया था, उस दिन मैं सोचूं कि मैं जो आज लिख रहा हूं, यह भाव, यह प्रेरणा, या मतलब लोगों से जुड़ पाने का वो एबिलिटी है, वो अभी उतने पहले आ जाए तो वो संभव नहीं। आपको लगातार काम करना होता है, लगातार उसको देखना होता है, बार बार अपनी रचनाओं को देखना होता है, उसको पढ़ना होता है, अच्छा साहित्य पढ़ना होता है, और कविता कोश पर जाइए, श्वेत वर्णा की पुस्तकें लीजिए, श्वेत वर्णा प्रकाशन पर मिथिला जी की भी किताब जो आई थी वो वहीं से आई है, नवगीत पर महिला रचनाकारों को लेकर उन्होंने काम किया था, 40 महिला नवगीतकारों को, और जी भी जी अच्छी किताबें आपको वहां उपलब्ध मिलेंगी,
वहां जाइए, किताबों को लीजिए, पढ़िए, पुस्तकालय जाइए, आपके पास जो पुस्तकालय है आप वहां जाके पढ़िए, कहीं से भी किताबें लीजिए और लगातार पढ़िए, मनिए, और आपस में आसपास में जो घटनाएं हो रही हैं उसमें साहित्य ढूंढिए, और जब आप उसमें साहित्य ढूंढेंगे तो आपको विषय वस्तु भी अच्छी मिलेगी और कलात्मकता भी आएगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। बहुत अच्छा, बहुत आज की शाम का समापन यहीं पर कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। आज राहुल शिवाय जी थे हमारे साथ। कल प्रकाशक के पटल पर कहानी संध्या होगी और इस कहानी संध्या में हमारे साथ एक बहुत ही जानी मानी सुप्रसिद्ध कहानीकार होंगी। नाम बता देती हूँ आपको, रश्मि रवीजा जी। तो जरूर उपस्थित होइएगा, जरूर रहिएगा साथ में, अच्छा लगेगा कहानी संध्या का वो सफर भी। और आज की शाम तो बेहद यादगार होगी। आप सभी का धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए। तो यहीं पर विराम देती हूँ, आप सभी को नमस्कार।